दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप को अपने नाम करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के लिए दुनिया के तमाम दिग्गजों ने की होश उड़ा देने वाली भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसकी शुरुआत शाही अंदाज में हो गई है। लेकिन इसी बीच दुनिया के तमाम दिग्गजों ने भी वर्ल्ड कप के साथ भविष्यवाणी कर दी है। गौतम गंभीर से लेकर वकर यूनिस, डेल स्टेन और क्रिश गेल ने वर्ल्ड कप की भविष्यवाणी करते हुए सभी को हैरान कर दिया है। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी टीम को वर्ल्ड कप में जीत का प्रबल दावेदार घोषित कर दिया है, जिसका नाम सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार दुनिया के तमाम दिग्गजों ने वर्ल्ड कप की भविष्यवाणी करते हुए क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है इस बार का वर्ल्ड कप कौन सी टीम अपने नाम कर सकती है, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट भारत की धरती पर 5 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया। वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट 10 टीम के बीच 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चलेगा। ऐसे में वर्ल्ड कप के दौरान दुनिया के तमाम दिग्गजों ने वर्ल्ड कप के लिए फाइनल में पहुंचने वाली और चैंपियन बनने वाली टीम के नाम का ऐलान कर सभी को हैरान कर दिया है। जिसमें साउथ अफ्रीका के महान दिग्गज ऑलराउंडर जैक कैलिस ने भविष्यवाणी करते हुए भारत और इंग्लैंड के बीच चैंपियन टीम होने का दावा किया है, जहां उन्होंने इंग्लैंड को डिफेंडिंग चैंपियन होने का हवाला दिया और भारत को घरेलू टीम होने के नाते चैंपियन बनाया है। इस दौरान उन्होंने भारत को चैंपियन बताया है। तो वहीं वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी क्रिस गेल ने भविष्यवाणी करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप के फाइनल होने की संभावना जताई है। उन्होंने बताया कि दोनों टीम एशिया कप की मजबूत टीम है और एशिया कप की कंडीशन में ही मैच खेला जा रहा है। ऐसे में दोनों के बीच फाइनल होगा और भारत इसका विजेता बनेगा। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी सेन वॉटसन ने भविष्यवाणी करते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीम है और भारत अपने घर में खेल रहा है। ऐसे में दोनों के बीच फाइनल होगा और ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप की चैंपियन एक बार फिर से बनेगी। तो वहीं पाकिस्तान के वकार यूनिस ने भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल मैच होने की संभावना जताई है और इंग्लैंड को डिफेंडिंग चैंपियन होने के नाते एक बार फिर से चैंपियन का प्रबल दावेदार माना और भारत को फाइनल में पहुंचने का दावेदार बताया। इसके अलावा डेल स्टेन ने भी भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल मैच की भविष्यवाणी की है। उन्होंने बताया कि भारत अपने घर में खेल रहा है, ऐसे में भारत को हराना मुश्किल और इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है, उनके पास भी जीतने की काबिलियत है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका इस बार सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचकर चैंपियन बन सकती है। तो वहीं श्रीलंका के मुरलीधरन ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि इस बार का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच होगा, जहां पर भारतीय टीम अपने घर में खेल रही है, ऐसे में उनको हराना मुश्किल है। तो वहीं पाकिस्तान की 3 दिन लगभग अपने घर में मैच खेल रही है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की कंडीशन में फर्क नहीं है। ऐसे में दोनों के बीच इस बार का वर्ल्ड कप फाइनल देखने को मिल सकता है और भारत उसका चैंपियन बन सकता है। तो वहीं गौतम गंभीर ने भारत और न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप की फाइनल में पहुंचने वाली टीम बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड को हमेशा हम कमजोर समझते हैं, लेकिन इस बार न्यूजीलैंड सिर्फ फाइनल में नहीं पहुंचेगी बल्कि टूर्नामेंट को भी अपने नाम कर सकती है। लेकिन एक भारतीय क्रिकेट प्रेमी होने के कारण मैं भारत को चैंपियन बनता हुआ देखना चाहता हूं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार का वर्ल्ड कप भारतीय टीम अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने लगाया इतिहास का सबसे खतरनाक शतक। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक मैच कुछ ही घंटे के बाद खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इसी बीच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए अभ्यास मैच में सूर्य कुमार यादव की शतकीय पारी देखने को मिली है। सूर्य कुमार यादव ने अपनी तूफानी पारी के जरिए मैदान के चारों तरफ रनों की ऐसी बारिश की है, जिसके सामने कंगारू गेंदबाज खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने तूफानी प्रदर्शन कर हाहाकार मचाया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव की तूफानी पारी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले, आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंदर भारतीय टीम अपना पहला मैच 8 अक्टूबर को चेन्नई के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाली है, जिसकी तैयारी में दोनों टीम लगी हुई है। इस दौरान भारतीय टीम ने अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना प्रारंभ कर दिया है, जहां पर आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए अभ्यास मैच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल इस मैच के अंदर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 30 ओवर के अंदर 165 रन पर 4 विकेट गवा दिए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर आकर टीम को संभाला और अंत तक नाबाद पारी खेली, सभी को हैरान कर दिया। दरअसल इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर सामने की तरफ ड्राइव के जरिए बेहतरीन चौका लगाया और अपना
खाता बड़ी शानदार अंदाज में खोला। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने इसी तरीके से तूफानी पारी के जरिए टीम को आगे ले जाने का कार्य किया, जहां पर उन्होंने मैदान के चारों तरफ छक्के और चौके की बारिश कर दी, जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। उनकी तूफानी अंदाज में उन्होंने अपना शतक बड़ी आसानी से लगा दिया। इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी करने के लिए आईएमएचएल स्टार के सामने एक ही ओवर में लगातार 4 गेंद के अंदर 4 चौके लगाए और अपना अर्धशतक मात्र 28 गेंद के अंदर पूरा कर लिया। इन्होंने इसी तरीके से तूफानी पारी को आगे शतक में तब्दील कर दिया, जहां पर इन्होंने बताया कि सूर्य कुमार यादव को इस समय रोक पाना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान कार्य नहीं है और सूर्य कुमार यादव से बचना ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल है। तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने इसके बाद और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक को शतक में तब्दील कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज ग्रीन को एक बार फिर से आड़े हाथों ले लिया। दरअसल सीरीज में ग्रीन को काफी ज्यादा नुकसान सूर्य कुमार यादव ने पहुंचाया था, जिसके बाद अब इस मैच में भी सूर्य कुमार यादव ने ग्रीन को नुकसान पहुंचाया है। दरअसल सूर्य कुमार यादव ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए उनके एक ही ओवर में लगातार 4 गेंद पर 4 छक्के और 2 गेंद पर 2 चौके समेत 32 रन बटोरे और अपना शतक मात्र 43 गेंद पर पूरा कर लिया। हालांकि शतक लगाने के बाद अंत तक में नाबाद रहे, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने 45 गेंद के अंदर 105 रन की नाबाद पारी खेली, जहां पर उन्होंने करीब 225 के स्ट्राइक रेट से 8 चौके और 8 छक्के लगाए, जिसको देख टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और ऐसी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग मैच में करने लगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव को खेलने का मौका मिलेगा या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों चेन्नई के मैदान पर रोहित शर्मा अपने 11 खूंखार खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया को करारी धूल चटाने के लिए मैदान पर कदम रख चुके हैं। हिटमैन ने टॉस जीतकर शुभमन गिल के साथ ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने शुरू कर दिए। तो आखिर खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर कितना हो गया भारत का स्कोर, कौन सा बल्लेबाज लगाने वाला है शतक, कौन सा खिलाड़ी कितने रनों पर खेल रहा है, किन 11 भूखे शेरों के साथ मैदान में गदर मचाने उतरी है दोनों टीमें, इस मुकाबले की एक एक लाइव अपडेट के साथ दोनों टीमों की प्लेइंग 11 हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित कोहली और ग्लेन मैक्सवेल में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों विश्व कप का महासंग्राम शुरू हो चुका है, जहां पर पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। यहां पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 9 विकेट से करारी हार मिली। वहीं दूसरी तरफ हिटमैन एंड कंपनी की टीम बिना अभ्यास मैच खेले कंगारू के खिलाफ मैदान पर उतरी, जहां इन दोनों टीमों के बीच कड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। दोनों टीमों में से एक से एक खूंखार खिलाड़ी भरे हुए हैं, लेकिन यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया को जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान पर विश्व कप खेल रही है। इन दोनों टीमों के बीच हमेशा कांटे का मुकाबला देखा गया और इतिहास भी गवा रहा है। इन दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला एम एच चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जा रहा है। भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला 2 बजे से शुरू किया गया, लेकिन लाइव मुकाबले में जाने से पहले आपको बता दें, इस बार सबसे बड़ी खुशखबरी आएगी, पूरी दुनिया में विश्व कप का प्रसारण स्टार स्पोर्ट के प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में किया जा रहा है, जहां आप अपने टीवी स्क्रीन पर इसका आनंद उठा सकते हैं। इसी के साथ आप हॉटस्टार पर भी लाइव स्ट्रीमिंग को बिना पैसे दिए देख सकते हैं। इससे बड़ी खुशखबरी क्रिकेट के चाहने वालों के लिए और क्या हो सकती है। अब आपको बता दें, चेन्नई के मैदान पर रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और दोनों भारतीय ओपनरों ने मिलकर कंगारू के तहस नहस कर दिए। रोहित और गिल का बल्ला जमकर बोल रहा है, वहीं रोहित शर्मा अर्धशतक लगाकर मैदान पर टिके हुए हैं, तो वहीं शुभमन गिल शतक के बेहद करीब हैं। लेकिन इन दोनों टीमों के बीच का इतिहास बेहद लग रहा है और हर किसी को चौंका दिया। तो चलिए एक बार हम इन दोनों टीमों के बीच इतिहास पर नजर डालते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई के मैदान पर अब तक 3 वनडे मैच खेले गए हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया को 2 मैचों में जीत मिली है, वहीं भारतीय टीम को केवल 1 जीत हासिल हुई है। वहीं पिछली बार जब दोनों इस मैच में भिड़े थे तो ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी थी। ओवरऑल वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 12 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत से 4 मैच जीत पाया है, यानी आंकड़ों में ऑस्ट्रेलिया की टीम का पलड़ा काफी भारी दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम इन दोनों टीमों के बीच पूरे क्रिकेट इतिहास उठाकर देखें तो अब तक की इन दोनों टीमों के बीच 146 मैच खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया टीम 84 मैच जीते हैं, वहीं 54 मुकाबले भारतीय टीम अपने नाम कर चुकी है। हालांकि 10 मैच ऐसे भी रहे जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। देखा जाए तो इसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन भारतीय कंडीशन में भारत को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऐसे में मैच 50-50 हो सकता है। हालांकि इस साल की शुरुआत में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी, वो सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम की थी। तो चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर किन 11 भूखे शेरों के साथ दोनों टीम मैदान पर तबाही मचाने के लिए उतरी है। तो जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करते हुए हमें डेविड वार्नर के साथ मिशेल मार्श नजर आ रहे हैं,
तो वहीं तीसरे नंबर पर स्टीव स्मिथ के साथ मध्य क्रम में ग्लेन मैक्सवेल, लबुशेन और एलेक्स कैरी बल्ले से तबाही मचाने के लिए बेकरार हैं। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट में उनके पास कैमरन ग्रीन और एश्टन एगर की जोड़ी है। तो वहीं एडम जंपा के साथ पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क टीम इंडिया को कड़ी चुनौती देने वाले हैं। यानी कि भारतीय टीम के लिए ये मुकाबला आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं अब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल मैदान पर गदर मचाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। नंबर 3 के मैदान पर किंग कोहली मोर्चा संभालने आएंगे। तो वहीं मध्य क्रम में सूर्य कुमार यादव के साथ केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के कंधों पर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऑलराउंड डिपार्टमेंट में अश्विन और जडेजा की फिरकी ऑस्ट्रेलिया के लिए मुसीबत का सबब बनने वाली है। तो वहीं मोहम्मद सिराज के साथ जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव कंगारुओं की धज्जियां उड़ाने को बेकरार हैं। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलेगी।